लगता है आज मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम पथमेड़ा गए थे। वहां हमने गौ माता के दर्शन किए, वहां पर हमने गौ माता का पूजन किया। बोले महाराज जी क्या अद्भुत गौ सेवा कर रहे हैं। हम लोग वहां जाकर के देखा, हमने ऐसी ऐसी गौवंश माता, ऐसी ऐसी गौ माता है जो निराश्रित हैं, अंधी हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं। प्रधन्य है श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी, लगभग 1,00,000 गौ माता की सेवा पथमेड़ा में चल रही है। ता होते हैं, धन्य है राजस्थान, यहाँ तो लाखों गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता डोल रहे हैं, उनकी सेवा चल रही है। बड़ा आनंद आया, हमने दर्शन किए से वहां पर, और केवल दर्शन नहीं किए भैया, हमने जो है वहां पर प्रण भी लिया। 2025 में अथवा 26 में जब भी समय मिलेगा, 3 दिन की कथा पथमेड़ाएंगे। और आज जो भी हमसे सेवा बनी, आप लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे, ऐसी गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। बोलो गौ माता। लेकिन देश का दुर्भाग्य तो देखो, हम जिसे माता कहते हैं वो रोड पर घूम रही, हम जिसे माता कहते हैं वो रोड पर घूम रही, और हम लोग एसी में पड़े। 33 करोड़ गौ माता को नहीं रख पा रहे हैं, ये भारत का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि हमारी गौ माता। अच्छा देखो तो, धन्य रे अंग्रेजी का जमाना, क्या जमाना आ गया। गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया। गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहा है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की, दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की प्यारी। बोलो गौ माता की जय हो। गाय राष्ट्र माता की, गौ माता की। वहीं से आप लोग मातृ दिवस के पावन पर्व पर हाथ जोड़कर सब लोग गौ माता को प्रणाम कर लो। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः।